Hello students, now I will be teaching loops in QBasic. In loops in QBasic, first program I will make you understand is for loop. Loops में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे loops होते हैं, for loop, while, do until, तो I will start with for loop. For ये सारे loops हम Java पढ़ते हैं, C पढ़ते हैं, C++ पढ़ते हैं, सब में पढ़ते हैं. तो QBasic क्या है? फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो यहाँ पे हम कुछ लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे फॉर लूप. और यहाँ पे बेसिक ही पढ़ेंगे. जो हम जावा में पढ़ते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मींस अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ क्लास 9th एंड 10th वो ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ 7 ये क्या है, थोड़ा ईजिली यहाँ पे दिया है. फॉर लूप में क्या है, इट इज़ यूज व्हेन वी नो एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड. हमें जब पता हो कि वो लूप कितने बारी चलेगा. जैसे मैंने आपको एक प्रोग्राम बताया कि लूप आई इक्वल्स टू 0 टू 12 स्टेप 2, मतलब वो 0 से 12 तक के बीच 0 से 12 तक चलेगा और उसमें दो दो स्टेप्स का अंतर होगा. मीन्स वो इवन नंबर जितने भी होंगे वो उसको प्रिंट कर देगा. फॉर नेक्स्ट लूप में क्या होता है, इट यूजेज अ वेरिएबल विच इज कॉल्ड काउंटर वेरिएबल. काउंटर का क्या काम होता है, टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू. इट इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू. ओके, नाउ एंड फॉर नेक्स्ट लूप यूजेज नेक्स्ट कमांड. नेक्स्ट कमांड का क्या होता है, यूज टू सिग्नल द एंड ऑफ द लूप. ओके, एग्जाम्पल ऑफ फॉर नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर एंड इट्स स्क्वायर. हम एक प्रोग्राम लिखेंगे टू प्रिंट अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर. तो 10 लाइन नंबर में हम लिखेंगे CLS, दैट इज क्लियर स्क्रीन. 20 लाइन नंबर में हम प्रिंट करेंगे नंबर एंड स्क्वायर, मींस हम नंबर एंड स्क्वायर प्रिंट करेंगे. 30 लाइन नंबर में हम फॉर लूप लगाएंगे. यू कैन सी फॉर लूप. फॉर लूप में हम क्या लिखेंगे, नम इक्वल्स टू 1 to 50. 1 to 50 के बीच में जितने भी नंबर हैं उनका क्या करो, स्क्वायर निकालो. 40 लाइन नंबर में क्या होगा, नम इनटू नम, मतलब वो अब नम का स्क्वायर निकल रहा है. नम में शुरू में वैल्यू है 1, तो ये 1 का स्क्वायर निकलेगा, 1 into 1. फिर ये जाएगा, फिर ये वापस इसी लूप में जाएगा. अभी नम का वैल्यू हो गया 2, फिर यहाँ पे आएगा नम का वैल्यू है 2, तो 2 into 2, फिर 2 का स्क्वायर, फिर वापस 30 लाइन नंबर में जाएगा. तो ये वापस जाते रहेगा कब तक, जब तक ये 50 तक नहीं पहुंच जाए. दैट इज फॉर नेक्स्ट लूप, कि जब तक ये 1 to 50 तक नहीं पहुंच जाए ये लूप घूमता रहेगा. दैट इज लूप. लूप मतलब क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है उसको बोलते हैं लूप. तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट ये 1 से 50 तक जाएगा, तभी ये लूप एंड होगा. 50 लाइन नंबर में क्या होगा, वो नेक्स्ट नम को प्रिंट करता जाएगा और फिर क्या करेगा, 50 तक आएगा और वो स्टॉप हो जाएगा. 60 लाइन नंबर में एंड, मतलब वो जब स्टॉप हो जाएगा तो 60 लाइन नंबर में आएगा और देखेगा कि मेरा कमांड कंप्लीट हो गया, तो इट विल स्टॉप वर्किंग. मींस इट विल प्रिंट ऑल द नंबर फ्रॉम 1 टू 50 और फिर उसका स्क्वायर भी प्रिंट कर देगा. वो प्रिंट कर देगा कि 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 है, 3 है तो 3 का स्क्वायर 50 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 है. और इसमें स्टेप को कुछ नहीं लिखा, स्टेप नहीं लिखा है, मींस ये स्टेप नहीं करेगा, मतलब दो दो नहीं करेगा, ये 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस में जाएगा. वहाँ पे स्टेप टू था, इसीलिए ये हम कैसे जा रहे थे, 2 1 2 4 6 8 लाइक दिस. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू वेरी मच एंड डू प्रैक्टिसिंग ऑफ प्रोग्रामिंग. ओके, थैंक यू.